हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इडली तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी, पर आज जो मैं इडली की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो नॉर्मल इडली से बहुत ही अलग है। इसके लिए ना हमें बैटर तैयार करनी है, ना हमें इडली मोल्ड की ज़रूरत है, और ये झटपट बन जाती है मिनटों में। और इसके टेस्ट, गोलू इडली का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ आज एक टमाटर की चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी, जो इस इडली का स्वाद दोगुना कर देगा। तो चलिए इस गोलू इडली की रेसिपी को स्टार्ट करें कि इसे हम कैसे बनाकर रेडी करेंगे। तो इडली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाही लिया है। कढ़ाही पैन आप किसी में भी बना सकते हैं। तो इसमें मैं एक कप मैंने पानी लिया है, उसी में मैंने एक छोटा चम्मच के करीब मैंने घी लिया है। उसी पानी में जब उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें नमक डाल दूंगी। और अच्छे से पानी में उबाल आने के बाद आप देख सकते हैं घी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया। पानी में हम एक कप चावल का आटा डालेंगे। एक कप हमने पानी लिया था, एक कप पानी के साथ हम एक कप चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढककर 5 मिनट छोड़ देंगे, जितनी फूलनी होगी वो फूल जाएगी और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद मैंने इसे एक थाली में निकाल लिया है और इसे हमें अच्छे से मसलना है और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। तो मैं इसे अच्छे से मसलते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर ली हूँ। बहुत ही सॉफ्ट डो हमारा रेडी है। अब मैं इस तरह की एक छन्नी लूँगी और उसको मैं ऑयल से हल्का सा मैंने ग्रीस कर दिया है। बस इसे रख देंगे साइड और ये जो हमने डो तैयार किया है उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके, छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो मैंने इस मीडियम साइज के बॉल तैयार किया है। देख सकते हैं कितना चिकना बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल भी फटा फटा नहीं है। तो मैंने जितना बन सकता था मैंने बनाकर रेडी कर लिया। आप चाहे तो इससे छोटे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस छन्नी में हम लेंगे और छन्नी में जितने भी हमारे बॉल्स हैं ना, सभी को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं जितना एक बार में जाएगा। तो मैंने जितना बनाया था वो एक बार में सारे चले गए। तो बस अगर स्टीमर है तो आप स्टीमर में स्टीम कर लीजिए। मैं इस तरह की कढ़ाई ली हूँ, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी मैंने डाल लिया है, उस पर जाली रखेंगे और मैं इसे रख कर ढक कर 10 से 15 मिनट तक इसे पका लेंगे, स्टीम कर लेंगे। तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं जब तक हमारा इडली पक रहा है। तो यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें मैंने एक चम्मच तेल डाला है। अब मैंने छोटी चम्मच से तेल डाला है, बहुत ही कम तेल में आज हम बनाकर रेडी करेंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने मूंगफली लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने चना का दाल लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने उड़द दाल लिया है और इसी में साथ में मैंने प्याज को डाल लिया है। मैंने पहले मूंगफली और दाल को नहीं पकाया है। आप चाहें तो हल्का सा दाल और मूंगफली को रोस्ट कर लें, पर इस तरह से रोस्ट करने पर भी ये दाल है और मूंगफली जो है वो रोस्ट हो जाती है, इसलिए मैंने पहले रोस्ट नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि जो मूंगफली है और चना दाल और उड़द दाल है वो हल्का सा कलर चेंज हो गया है, रोस्ट हो गया है। तो इसमें मैंने 3-4 लहसुन की कलियाँ डाली हैं और 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने कट करके इसमें डाल लिया है। साथ में मैंने 4 सूखा हुआ लाल मिर्च लिया है। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च है तो आप डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है और ये मेरी तीखी वाली मिर्च थी। बस इस स्टेज पर जब हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, बस हमें सॉफ्ट करना है, इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिया है, मैंने बड़ा साइज का टमाटर लिया है। और टमाटर डालने के बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है ताकि जो हमारा चटनी बने उसका कलर बहुत अच्छा आए।
तो बस हम इसी स्टेज पर जब हमारा टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं इसमें 2 छोटे चम्मच मैंने पानी डाला है ताकि ये अच्छे से पक सके। बस गैस की लीड को हम लगा लेंगे और इसे कुक होने देंगे। जब तक हमें कुक करना है इसे लगभग 5 मिनट ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से गल सके, मैसी सा हो जाए। तो आप देख सकते हैं जो टमाटर है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, बहुत अच्छे से ये पक चुकी है। तो इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं, तब तक हम इडली देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने इडली स्टीम करने के लिए रखा था 15 मिनट हो गए हैं और जो हमारी इडली है ना वो भी पक चुकी है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट ये बनकर रेडी हुआ है। तो इसे हम रख देते हैं साइड। और ये जो हमने टमाटर को पका के रखा है चटनी के लिए वो भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा मैंने ठंडा नहीं किया है। और इसमें हम 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे और पानी डालकर इसे एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिसे मैंने बाउल में निकाल लिया है। और एक तरफ हम चटनी के लिए तड़का तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल लिया है। तेल में हम जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच चना दाल और 1 छोटा चम्मच मैंने उड़द दाल लिया है, जिसे हल्का सा चटकने देंगे, हल्का सा पका लेंगे। जब हमारा चना दाल और उड़द दाल हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगा तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और उसमें 1 पिंच हींग और 10 से 12 मैंने करी पत्ते लिए हैं और मैंने 1 से 2 मैंने मिर्च लिया है सूखा, जिसे भी तोड़कर डाल लेंगे। और तेल हमारा गर्म ही है तो मिर्च भी अच्छे से पक जाएगी। और जो हमारा तड़का है उसे हम चटनी के ऊपर डाल देंगे। देख सकते हैं कितना टेस्टी ये बनकर चटनी तैयार हुआ है। बस इसे मिक्स करेंगे और ये हमारा चटपटा चटनी तैयार हो गया है। हमारा इडली भी जो है वो हल्का सा ठंडा हो गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ, इसको भी तड़का लगा लेते हैं। तो हम गैस पर एक पैन लेंगे और मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 1 छोटा चम्मच मैंने राई लिया है और 1 छोटा चम्मच मैंने उड़द दाल डाला है और साथ में मैंने 1 छोटा चम्मच यहाँ पर चना का दाल लिया है। बस इसे हल्का सा चटकार आने देंगे इसमें। जब ये हमारा दाल जो है अच्छे से चटक जाएगा तो मैं इसमें 1 मिर्च ली हूँ और मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। मिर्च अगर आप तीखा खाते हैं तो आप और भी तीखा मिर्च डाल सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए बनाया है तो बच्चे थोड़ा तीखा कम खाते हैं, इसलिए मैंने 1 ही मिर्च इस्तेमाल की है। और साथ में हम 10 से 15 मैंने करी पत्ते लिए हैं, जिसे भी मैंने ऑयल में डाल लिया है। बस ये जब हल्का सा पक जाएगा तो हमने जो इडली बनाकर रखा है ना वो सारे इडली हम इसमें डाल लेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक बस पकाना है, बस गैस की फ्लेम को मिक्स करके बंद कर देंगे। ये हमारी बेहतरीन इडली बनकर तैयार है ना, बहुत ही झटपट वाली रेसिपी। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में, नाश्ते में कभी भी आप बनाकर दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। मैंने तो जब बनाया था तो मेरे बच्चे मांग मांग कर खा रहे थे। आप भी झटपट बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।